हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। सो एचटेट पीजीटी पीवाईक्यू क्वेश्चन हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं 2016 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू होंगे और टॉपिक वाइज होंगे, क्योंकि एकदम से पूरा पेपर करना अलग अलग टॉपिक पर कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहता। सो अगर आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे हो, लास्ट 8 ईयर्स के इनफ है, आराम से आपका पेपर क्लियर हो सकता है। इस टाइप की सीरीज से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ये पहुँच सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन टू वेक्टर। वेक्टर क्या है? ए एंड बी, सच दैट ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन थीटा इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अच्छा देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ए डॉट बी वो किसके इक्वल होता है? ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, ठीक है। और ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ये वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और इनटू में यूनिट वेक्टर एन हो जाता है, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है? ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। सो यहाँ पर ए डॉट बी की जगह क्या लिख देंगे? इसकी ये वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी की जगह मैग्नीट्यूड के अंदर ये वैल्यू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा एन कैप, ओके। तो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दोनों साइड से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कोस थीटा किसके इक्वल आया? साइन थीटा। और एन का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो वन होगा, तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इक्वल कब होती है? जब थीटा क्या हो? पाई बाय फोर हो, है ना, 45 डिग्री पर क्या है, इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। सो इसका ऑप्शन टू क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस डी के एंड ए क्रॉस सी इक्वल है बी क्रॉस सी के, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के है, लेकिन जब हम ए क्रॉस सी लेते हैं तो वो बी क्रॉस डी के आते हैं ना। वेक्टर ए माइनस सी और बी माइनस सी आर क्या होंगे? इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या फिर इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, हमने इसका बताना है ए माइनस डी, और क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है तो क्या करेंगे, ए माइनस डी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे बी माइनस सी के साथ, ठीक है। मैं ऊपर वेक्टर साइन नहीं बना रही, वेक्टर ही है, ओके। सो ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, पहले ए क्रॉस बी, फिर ए की सी के साथ आएगी माइनस में ए क्रॉस सी, फिर डी की बी के साथ आएगी माइनस डी क्रॉस बी, और फिर डी की सी के साथ प्लस का डी क्रॉस सी, ठीक है। हमने इसे ओपन कर लिया। अब ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी एज इट इज लिख देंगे एक बार, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बी क्रॉस डी है और यहाँ पर क्या है? डी क्रॉस बी। वैसे डी क्रॉस बी इसको हम उल्टा करेंगे जब हम क्योंकि डी क्रॉस बी किसके इक्वल होएगा? नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस डी के, ठीक है। अब यहाँ पर पहले नेगेटिव साइन है तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव बी क्रॉस डी बनेगा, और बी क्रॉस डी किसके इक्वल है? ए क्रॉस सी के, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ए क्रॉस सी, ठीक है। ऐसे ही सी क्रॉस डी दे रखा है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है? डी क्रॉस सी, तो डी क्रॉस सी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के सी क्रॉस डी के, और सी क्रॉस डी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का ए क्रॉस बी हो गया। सो देखो, ए क्रॉस बी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया जीरो।
दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए तो वेक्टर कैसा होता है? वेक्टर कैसा होता है बोलो? साइन थीटा जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन यूज होता है? साइन थीटा यूज होता है, यानी कि साइन थीटा जीरो, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो। जब थीटा जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है? दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, क्योंकि पैरेलल के बीच में क्या आता है? थीटा हमारे पास जीरो रहता है, तो यानी कि ऑप्शन टू इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड सी मैग्नीट्यूड। ऑप्शन दे रखे हैं, कब होगा? ए डॉट बी इक्वल बी डॉट सी जीरो हो, ऐसे ही हमारे पास सारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। हम चेक करेंगे कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन। सो सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी डॉट सी, हम ये लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहे हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो इसको एक वेक्टर मान लो आप, और इसको दूसरा वेक्टर मान लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वैसे तीन वेक्टर है, हम क्या करेंगे, इसको एक वेक्टर मानेंगे, इसको दूसरा। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, होती है या नहीं होती? फिर इसके बाद ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी के पास भी हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा, तो ए क्रॉस बी का क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और ये हमारे पास अलग से है ही, सी मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, ये एक्स्ट्रा है ही, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया भाई? ए मैग्नीट्यूड मिला, बी मैग्नीट्यूड एंड सी मैग्नीट्यूड। साइन थीटा कोस थीटा इसका मैग्नीट्यूड। अब ये है किसके इक्वल? इसके इक्वल है, तो इक्वल लिख दिया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, ये आपस में तीनों हुए भाई कैंसिल, ठीक है। ये क्या बचा यहाँ? वन। इसका मतलब क्या है? साइन थीटा कोस थीटा इक्वल आ गया है वन। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा वन आया है, मतलब साइन की वैल्यू भी वन हो और कोस की भी वन हो, ठीक है। सो साइन वन कब होता है? साइन वन होता है पाई बाय टू पे, और कोस वन कब होता है? जीरो डिग्री पे। इसका मतलब हमें जो थीटा की वैल्यू मिल रही है वो क्या क्या मिल रही है? पाई बाय टू, और दूसरा थीटा मिल रहा है जीरो डिग्री, है ना। दो वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब देखो, अगर हमारे पास थीटा क्या आता है? जीरो डिग्री। वैसे मुझे यहाँ पर एक एंगल को थीटा वन लेट करना चाहिए, मैं इसे थीटा वन लेट कर रही हूँ, ठीक है। थीटा वन पाई बाय टू और थीटा जीरो डिग्री आ रहा है। अगर थीटा हमारे पास क्या होता है? जीरो डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि ए क्या है? परपेंडिकुलर होगा बी के, है ना, और ए परपेंडिकुलर होगा सी के, अगर थीटा क्या आ रहा है? जीरो डिग्री, क्योंकि थीटा क्या था? इन दोनों के बीच का एंगल था। सो अगर हमारे पास थीटा वन जो है वो आ रहा है पाई बाय टू, थीटा जीरो और थीटा वन पाई बाय टू आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ए परपेंडिकुलर बी हो रहा है और ए परपेंडिकुलर सी हो रहा है। फिर अगर हमारे पास दूसरा हम देखें कि जो सी है दोनों के साथ क्या है? ए के साथ भी और बी के साथ भी क्या निकल रहा है? परपेंडिकुलर निकल रहा है इस वे में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी परपेंडिकुलर हो तो क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, और बी डॉट सी सी डॉट ए, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन फोर इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट आई जे आई प्लस टू के जे प्लस के आर आई प्लस म्यू जे आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? ये कोलिनियर है, देन आर और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो पॉइंट, तीन पॉइंट कोलिनियर है। अगर मैं पहले के पॉइंट बताऊं तो आई का कोफिशेंट वन, जे का कोफिशेंट जीरो और के का कोफिशेंट टू, ये एक पॉइंट बन चुका है। अगर मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बोलूं तो दूसरा पॉइंट क्या है? आई का कोफिशेंट जीरो, जे का वन और के का वन। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं मैं तो आई का कोफिशेंट आर, जे का म्यू एंड
के का जीरो, ये हमारे पास तीन पॉइंट है। तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं कह रही हूँ ए, इसको कह रही हूँ बी और इसको कह रही हूँ सी। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो सी है वो ए और बी को डिवाइड करता है के रेशो वन में, ठीक है। तो हम क्या लगाने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला समझ चुके हो आप आराम से। सो सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पर ये मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, ये ए का पॉइंट तो यहाँ लिखा ही हुआ है, यहाँ पर ये बी का लिख दिया, ठीक है। तो जो आर है, आर किसके इक्वल आएगा, आर क्या आएगा, के इंटू जीरो प्लस वन इंटू वन अपॉन के प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू क्या आई, ये वन बाय में के प्लस वन आई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम म्यू पे बात करते हैं, म्यू के लिए क्या होगा, के की वैल्यू, के की मल्टीप्लाई वन से और वन की मल्टीप्लाई जीरो से अपॉन के प्लस वन, यानी कि म्यू क्या आ गया, के बाय में के प्लस वन। और अगर हम फिर नेक्स्ट जीरो से इक्वेट करें, तो जीरो से इक्वेट करें तो के की मल्टीप्लाई होगी वन से और वन की मल्टीप्लाई होगी इस टू से डिवाइड बाय के प्लस वन। अब यहीं से हमारे पास आएगा के की वैल्यू, के प्लस वन सॉरी टू है ये, तो के प्लस टू इक्वल क्या आ जाएगा, ये यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, तो जीरो, के की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस टू। अब ये k इक्वल टू माइनस टू यहाँ पुट कर देंगे, वन बाई माइनस टू प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू बाई माइनस टू प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। तो यानी कि r की वैल्यू माइनस वन और म्यू की वैल्यू कितनी आई है, टू। तो यानी कि ऑप्शन थ्री क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर c ग्रेटर देन जीरो इफ दिस वैक्टर इज द यूनिट नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू द कोण, देन विच कंडीशन विल बी ट्रू, ये हमें बताना होगा। सो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, हम लिख सकते हैं इसको फंक्शन एक्स वाई जेड क्या हुआ है, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो ये जेड है ये यहाँ के माइनस हो गया माइनस जेड, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हमने बना दिया, ठीक है। अब ए आई प्लस क्या दे रखा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्या कहा है ये क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट है, ये अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है लेकिन ये किसके हैं, टू द कोण, कोण के हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ये कोण की इक्वेशन है इसका ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आई कैप, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव j कैप, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव k कैप, ठीक है। तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बाय में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2y बाय में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर j कैप, और z के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या आता है, ओनली माइनस का k कैप, क्योंकि z का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक है। ये 2 से 2 हो गया है कैंसिल, ठीक। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, ये अगर हम इसको कंपेयर करते हैं i वाले कोफिशेंट्स को, b की वैल्यू ये होगी और c की वैल्यू माइनस वन होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे एक बार मैं r वेक्टर लेट कर देती हूँ, मैं निकाल रही हूँ r का मैग्नीट्यूड ताकि मैं नॉर्मल वेक्टर निकाल सकूँ, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर y में r का मैग्नीट्यूड होगा। सो r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्केयर, पहले का स्केयर करेंगे x स्केयर y में, अंडर रूट का स्केयर करेंगे, नीचे सिर्फ रह जाएगा x स्केयर प्लस y स्केयर। फिर उसके बाद दूसरे वाले का j के कोफिशियंट का स्केयर करेंगे तो y स्केयर by x स्केयर प्लस y स्केयर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में माइनस वन का जो स्केयर करेंगे वो प्लस का वन हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। तो ये हो चुका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर,
ये वन हो जाएगा प्लस वन, हमारे पास मिला जो आर का मैग्नीट्यूड है रूट टू, ठीक है, रूट टू आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास आर बाय आर का मैग्नीट्यूड हम लिख कर नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक बार जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर की वैल्यू एट किस पर निकालनी है, ये पॉइंट क्या है, वन वन और रूट टू, ये पॉइंट है, इस पर हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो जहाँ पर एक्स है वहाँ वन पुट कर देंगे, जहाँ वाई है वहाँ भी वन, और जहाँ जेड होएगा वहाँ पर रूट टू हम पुट कर देंगे। सो ये जो लाइन होएगी वो क्या बन जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स की जगह वन पुट किया और एक्स और वाई की जगह वन वन, तो ये हो गया वन बाय रूट टू आई कैप, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वन बाय रूट टू जे कैप, और माइनस में के कैप हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास मिल चुका है आर वेक्टर, हमने नॉर्मल बनाना है यूनिट नॉर्मल, तो ये यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको वन बाय रूट टू से क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड, ठीक है। तो वन बाय रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई होगी एक टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप डिवाइड बाय टू, प्लस में जे कैप डिवाइड बाय टू, माइनस वन बाय रूट टू के कैप होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ चुकी है वन बाय टू, बी की वैल्यू क्या आ चुकी है वन बाय टू, और सी की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस के वन बाय रूट टू। अब हमें क्या चेक करना है, ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर चेक करना है ना। तो अगर ए स्केयर चेक करते हैं हमें क्या मिलता है, ए स्केयर क्या होगा वन बाय फोर, बी स्केयर भी क्या होगा वन बाय फोर, सी स्केयर क्या होगा वन बाय में टू, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन चेक होने पे क्या मिलता है वो देखते हैं। अब जीरो कब बनेगा, जब ए स्केयर और बी स्केयर को ऐड कर दूं और मैं सी स्केयर को माइनस कर दूं तो जीरो बनेगा, है ना। ये कंडीशन बनती है या नहीं बनती, मतलब ऑप्शन टू इसका करेक्ट बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो ऑप्शन टू क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सो आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख देंगे आई कैप जे कैप और के कैप। आर वेक्टर को अगर हम लेट कर ले कि एक्स आई वाई जे और जेड के, तो यहाँ पर आर के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे एक्स वाई और जेड। क्रॉस में ए है तो ए के कोफिशिएंट क्या क्या है, वन वन जीरो, तो यहाँ लिख दिया वन वन और जीरो। ये किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के इक्वल है, क्योंकि ये आर क्रॉस ए लिखा मैंने, और ये किसके इक्वल है बी क्रॉस ए के। तो बी क्रॉस ए क्या है अपने पास, आई जे और के, बी के कोफिशेंट्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स टू जीरो और माइनस वन, है ना, टू जीरो और माइनस वन। तो बी का लिख दिया मैंने टू जीरो माइनस वन, और ए का पता ही है वन वन जीरो, ठीक है। इन दोनों के डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिलता है आई माइनस के जेड माइनस में जे कैप, ठीक है। जे कैप लिखेंगे तो यह बनेगा फिर से माइनस का जेड, और प्लस में के कैप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई। ये किसके इक्वल आएगा, इसके डिटरमिनेंट के, आई कैप प्लस का वन माइनस जे कैप, और यह जीरो और प्लस का वन प्लस का के कैप, और यहाँ आ जाएगा टू। अब इक्वेट करेंगे दोनों साइड, आई के कोफिशिएंट्स को अगर हम इक्वेट करते हैं तो जेड की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस वन, ठीक है। और k के कोफिशियंट को अगर हम कंपेयर करें तो x माइनस वाई इक्वल टू टू आता है। ये दो वैल्यू हमें मिलती है यहाँ से। r क्रॉस b और a क्रॉस b अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होएगा, i कैप j कैप k कैप, b की वैल्यूज क्या है टू जीरो और माइनस वन। पहले तो यहाँ बीच में लिखी जाएगी x y z, क्योंकि r की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, a क्रॉस b, तो i कैप जे कैप
केक है, एक रोस भी है तो 110, 20 - 1। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है, क्या बनेगा, माइनस के वाई आई कैप माइनस जे कैप लिखेंगे, माइनस के एक्स माइनस 2z प्लस के कैप माइनस के 2y। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, आई कैप माइनस का 1 माइनस जे कैप माइनस 1 प्लस के कैप माइनस के 2। इसमें y के कोफिशेंट को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आई के कोफिशेंट को, तो y इक्वल टू 1 आएगा। और साथ में हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, x माइनस z, माइनस x है ना ये, तो माइनस माइनस ये बार कॉमन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस में 2z किसके इक्वल आएगा, 1 के, और z की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 3। ठीक है, और y भी आ गया, x भी आ गया और z भी आ गया, पॉइंट क्या बन गया, 3, 1 और -1। ओके, 3, 1 और -1, ऑप्शन 4 है ये, ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट a b c विद पोजीशन वेक्टर दिस रिस्पेक्टिवली आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल C पर क्या है, 90 डिग्री होगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है। यहाँ C वर्टिसेस आएंगे, यहाँ A हो गया, ये B हो गया। अब देखो A की क्या है, A के कोफिशेंट्स 2 है, माइनस 1 और 1 है ना। B का कोफिशेंट क्या है, B का है 1 माइनस 3 और माइनस 5 है ना, B के कोफिशेंट। C की क्या है, a माइनस 3 और 1। ठीक है, सभी के कोफिशेंट्स लिख लिए, हमने क्या बताना है, a की वैल्यू। अब ये देखो कि 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ac ab परपेंडिकुलर है, ac परपेंडिकुलर किसके है, cb के, सॉरी है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ac डॉट cb करूं तो मेरे पास इक्वल टू 0 रखूं, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि AC डॉट CB की डॉट प्रोडक्ट 0 आए, तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं AC, AC क्या होगा, 2 माइनस A आई कैप प्लस 2 माइनस A हो गया, माइनस 1 प्लस 3 2 J कैप और 1 माइनस 1 0 के कैप। फिर उसके बाद सी बी अगर निकाल ले तो सी बी क्या होगा, माइनस 1 माइनस ए, सॉरी 1 माइनस ए आई कैप और माइनस 3 प्लस 3 जे कैप और माइनस के 5 माइनस 1 6 के कैप हो गया। ओके, अब हमने निकालना है ए सी डॉट सी बी, तो मतलब आई डॉट आई आएगा, 2 माइनस ए की डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस ए सी, और यहाँ पर ये बन चुका है 0, इसकी करेंगे तो 0, 0 की 6 से करेंगे 0, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या लगानी थी, इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 माइनस ए इक्वल टू 0 और 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बना, ए इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1, ऑप्शन 4 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ए दे दिया, बी दे दिया और सी जो है ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया, अलग से वेक्टर दिए 2 और एक सी, ये कह रहे हैं कोप्लेनर है, देन एक्स बाय वाई क्या होगा, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। सबसे पहले सी है क्या, सी है एक्स ए प्लस वाई बी, अब सी क्या हुआ, एक्स ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे प्लस वाई, बी की वैल्यू क्या है, जे प्लस के। तो अगर मैं आई और जे के कोफिशेंट और के कोफिशेंट को अलग करूं तो क्या बने, सी इक्वल टू आई, अगर मैं कॉमन लेती हूं तो क्या आएगा, एक्स एक्स ही बचेगा,
और जे अगर कॉमन लूं तो एक्स प्लस वाई बचेगा, और के अगर कॉमन लेती हूँ तो बनता है खाली वाई। ठीक है, तो सी का आ गया और दो वेक्टर और हैं, ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है, तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन, इसका कोफिशिएंट माइनस वन और वन, माइनस टू और वन, थ्री टू और माइनस वन, और एक्स एक्स प्लस वाई और वाई इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर देंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, वन को रखा, टू वाई माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस का टू होना चाहिए, माइनस के साइन के साथ प्लस का टू हो गया, और ये बन गया थ्री वाई प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ से थ्री एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई हो गया, और माइनस के टू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये कितना हो गया, इसको हम सॉल्व कर देंगे, टू वाई और ये सिक्स वाई, कितने हो गए, एट वाई, और ये प्लस का थ्री वाई, यानी कि इलेवन वाई, एक वाई ये काउंट होना रह गया, ये हो गया ट्वेल्व वाई। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में एक्स, और ये टू एक्स हो जाएंगे, थ्री एक्स और थ्री एक्स, सिक्स एक्स, सिक्स एक्स माइनस टू, फोर एक्स, यानी कि ये हो गया प्लस का फोर एक्स इक्वल टू जीरो। फोर से डिवाइड करेंगे, ये हो गया फोर वाई, सॉरी थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक्स बाई वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस थ्री वाई, एक्स बाई वाई क्या आ गया, माइनस की थ्री बाई वन, विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, ऑप्शन टू क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, ए दे दिया, बी दे दिया वेक्टर, सी इज सच दैट, ए डॉट सी फोर है, ए क्रॉस बी सी इक्वल टू बी है, देन सी क्या होगा हमें ये बताना है, क्योंकि ए डॉट सी, सी को एक बार लेट कर लेते हैं कि एक्स आई वाई जे प्लस जेड के है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ए डॉट सी मतलब एक्स एक्स के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, आई की टू की एक्स से करेंगे टू एक्स, प्लस इसके साथ वन है तो वन की वाई से प्लस का वाई, माइनस वन है तो माइनस के जेड, इक्वल टू क्या होगा, फोर, जीरो नहीं, फोर है ना, क्योंकि फोर गिवन है ए डॉट सी। अब ए क्रॉस सी इक्वल टू बी दिया है, तो ए क्रॉस सी लेंगे, ए क्रॉस सी में क्या आएगा, डिटरमिनेंट है ना, तो आई जे के और ए के पहले आएंगे, ए के क्या क्या है, टू प्लस का वन और माइनस वन, फिर सी के एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, वेक्टर बी के है, और बी का क्या लिख देंगे हम, जे प्लस के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आई के साथ क्या बनेगा, जेड प्लस वाई, माइनस जे के साथ क्या बनेगा, फोर माई प्लस एक्स, एंड प्लस के साथ क्या बनेगा, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, जे प्लस के है ना, या शायद फॉल्ट हुआ यहाँ पर, फोर नहीं, ये जेड है, जे वाले में दोबारा चेक कर लेते हैं, ये टू जेड प्लस एक्स है। ठीक है, ये टू समझ लिया था मैंने भी, तो टू जेड प्लस एक्स है ये। सो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, आई का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, तो यानी कि जेड प्लस वाई क्या हो गया, जीरो, इम्प्लाइज वाई क्या आ गया, माइनस के जेड। ठीक है, तो वाई माइनस जेड आया, यहाँ से मैं कंपेयर करती हूँ, तो टू जेड प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट वन है, इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, वन माइनस टू जेड। ठीक है, इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ये हमारे पास है टू, एक्स की वैल्यू क्या, वन माइनस टू जेड, फिर इसके बाद प्लस का वाई है, प्लस वाई की जगह पुट करना है माइनस के जेड, फिर माइनस जेड है इक्वल टू फोर है, ये इक्वेशन मैंने ऐसे पुट कर ली, तो हो गया टू माइनस फोर जेड माइनस जेड, ये माइनस माइनस टू जेड हो गए, माइनस के टू जेड इक्वल टू फोर, ये कितना हुआ, माइनस के सिक्स जेड इक्वल टू टू,
यहाँ से माइनस का साइन रह गया था तो यहाँ पर ये माइनस वन लिखा जाएगा, इसका मतलब इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का वन प्लस टू जेड माना जाएगा, प्लस का टू जेड माइनस का वन ना, सो ये हो जाएगा माइनस के टू। अब हो जाएगा ये कितना बन चुका है, मैं इसको एक बार दोबारा करेक्शन के साथ लिख दूं, एक सेकंड प्लीज। माइनस के साइन ना उठाओ तो गलती हो जाती है। सो ये है माइनस वन प्लस माइनस की टू जेड, है ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिली है हमें, माइनस वन एंड माइनस टू जेड, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है इसमें हमने पुट करना है इसे, ये इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक, टू आई थी, टू आई प्लस में ये आई कैप प्लस क्या था यहाँ, एक्स जे कैप था, एक मिनट प्लीज। हाँ जी, तो ये था, यहाँ पर टू इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन माइनस के टू जेड, प्लस वाई की जगह क्या पुट करना है, माइनस का जेड, और माइनस जेड है इक्वल टू फोर। तो ये कितना हो चुका, इम्प्लाइज माइनस के टू प्लस फोर जेड माइनस में, ये माइनस के टू जेड ये मिल के हो गए और इक्वल टू फोर, है ना। सो ये हो चुका 2z इक्वल टू, ये माइनस का साइन, ये हो चुका माइनस के 6z, और ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा 6, और z की वैल्यू आ गई है माइनस वन। z की वैल्यू माइनस वन आई तो y क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ से प्लस 1 हो गया, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए z की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस वन x इक्वल टू माइनस वन प्लस का टू, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी प्लस का वन। तो हम इससे बना देंगे एक वेक्टर, c वेक्टर एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, x है वन वन आई कैप, और फिर प्लस में y भी वन है j कैप, प्लस में z k कैप होना चाहिए, माइनस का वन है तो माइनस के k कैप। तो यानी कि ऑप्शन वन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, हमने यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो निकालने के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एन कैप, और एन कैप क्या होता है, पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर जिनके परपेंडिकुलर है अपोन में उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या निकाल लिया, समझ चुके हो, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, आई कैप जे कैप के कैप, इनके कोफिशिएंट लिख देंगे टू माइनस वन और वन, थ्री फोर और माइनस वन, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे, आई कैप माइनस माइनस प्लस माइनस फोर वन माइनस फोर माइनस जे कैप माइनस टू माइनस थ्री प्लस के कैप एट माइनस माइनस के थ्री आई कैप प्लस का फाइव जे कैप प्लस फाइव के कैप, यहाँ ये प्लस आएगा, इलेवन के कैप हुआ, ठीक है। ये मैच किसके साथ कर रहा है, बी ऑप्शन के साथ, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट यही बनेगा, तो ऑप्शन जो थ्री है वो करेक्ट रहेगा।